इकट्ठा होए हो की कारण इकट्ठा हो गया? एक बंदा सिर्फ एक ऑर्डर ले जा सकता है और सामने देख लें कल्ले बंदे अजमेर बैग पे टी शर्ट पाई है, इन्होंने कैश भी होगा, महंगा मोबाइल भी होगा, मोटरसाइकिल भी होगा, और साढ़े मग पीछा करते कट कर मार के डिग देंगे ने डिगन ना साढ़े सट बाद लग जाती है, साढ़े मोबाइल खो के लेते हैं, साढ़े पैसे खो के लेते हैं कि मुंडे का गोद टुट गया, मोटर टुट गया, अपने मोबाइल खो के लैके से प्लस दरखास्त दे के आए हैं तो प्लस कोई कार्रवाई नहीं हुई हाल तक, ना बंदे का मोबाइल नंबर मोबाइल लब्भा तो ना ही कार्रवाई कर दी। अपने साढ़े राइडर नाल वारदात हुई है, उनके हाथ से सट्टा वजिया, पैर के सट्टा वजिया, जो असं उत्थे कंप्लेंट कर लगे हैं जाके देखे तो उसे थाना के ही बूहे भी बजाए काफ़ी बार, बट उन्होंने कोई बंदा बाहर नहीं आया उन्होंने, तो हक था करके एक आदमी बाहर आए थे उन्होंने कहते हो कहते साढ़े को बंदे चार पाँच ने तो असं पेट्रोलिंग तो नहीं ला सकते, 20-20 रुपए इकट्ठे करता है अगला अपना परिवार चला जी, हम देखो जी इदा इन्हों ही ये हाल होएगा तो दसो कोई कमा के किमें खाएगा, नहीं तो फिर देखो मजबूर हो के तो इन्हों भी कोई ना कोई गलत काम करना पेगा, अगर सरकार चाहती है भी ये भी गलत काम कर फिर सर देख लो उन्हों की मर्जी है। सत श्री अकाल जी, डिफेंस चैनल पंजाबी देख रहे दर्शकों का स्वागत है, तुम्हें दस दें कि इस मौके असं मौजूद हाँ फिरोजपुर के थाना सिटी के बाहर जिते जोमैटो काम करने वाले नौजवान मौजूद है, इकट्ठा होए इकट्ठा होने का कारण भी तुम्हें दस दें कि नौजवानों का कहना है कि जो रात के समय लोगों के घर डिलीवरी ले जाते हैं तो रास्ते उन्होंने जी लुट खो आती जा रही है, जिस संबंधी वो कई बार इतों के थाना सिटी लिखती शिकायत जी दे चुके हैं पर पुलिस वालों हाले तक उन्होंने कोई भी सुनवाई जी वो नहीं की गई। एक बार तस्वीर तुम्हें दिखा दें, तस्वीर तुम दे सकते हो कि तस्वीर थाना सिटी दियां जिथे जोमैटो काम करने वाले नौजवान जड़े आठा हुए आ, दसया जा रहा कि रात के समय लगातार उन्होंने जी लुट खो आती जा रही है, जिस संबंधी वो लिखती शिकायत जी पुलिस को दे चुके हैं पर पुलिस वालों हाले तक जी कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लिया गई। साढ़े नाल इत्थे नौजवान भी मौजूद है, उन्होंने भी गलबात करने की कोशिश करांगे कि आखिर पूरा मामला की आ कि जी लुट खो की जा रही है वो किहड़े लोगों वालों की जा रही है, गलबात करने की कोशिश करांगे। भाजी की नाम है थोड़ा? सर मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है। इकट्ठा होए हो की कारण है इकट्ठा होने का? सर सानू मजबूरी कारण इकट्ठा होना पिया जी, सर असी थाने कचहरी धक्के खा के अग गए, साढ़े मुंडे रेडर बॉय जाते हैं ऑर्डर देने वास्ते, ठीक है रास्ते च दो या तीन बॉय खड़े होंगे रास्ते च, वो वेख लेंदे कि कल्ले जाते पेने क्योंकि सानू कोई अथॉरिटी नहीं है कि सिर्फ असी एक बंदा सिर्फ एक ऑर्डर ले जा सकता है, और सानू देख लें कल्ले बंदे अजमेर बैग पे टी शर्ट पाई है, इन्होंने कैश भी होगा, महंगा मोबाइल भी होगा, मोटरसाइकिल भी होगा, और साढ़े मग पीछा करते कट कर मार के डिग देंगे ने डिगन ना साढ़े सट बाद लग जाती है, साढ़े मोबाइल खो के लेते हैं, साढ़े पैसे खो के लेते हैं, जिसके मुताबिक असं तकरीबन हर थाने दरखास्तें दी हैं पर साड़ी पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती क्योंकि असं कोई शो करते है नहीं है, असं सिकर दोपहर तो सवेरे 8 बजे लैके राती 11 बजे तक काम करते हैं, सिर्फ मिलते सानू 20 रुपये सिर्फ, उस साढ़े चो अपने लोग अपने चोर वगैरह आ जाते हैं लुटाओ करते हैं, सानू नहीं पता कि पुलिस ने कंप्लेट करते हैं तो पुलिस सानू कोई जवाब नहीं देती, अगों असं फड़ लाँगे टाड़ी कार्रवाई करते हैं। अज तो 10 दिन पहला भी कांड हुआ कैंट में, वो भी दरखास्त दी कि मुंडे का गोद टुट गया, मोटर टुट गया, अपने मोबाइल खो के लैके से प्लस दरखास्त दे के आए हैं तो प्लस कोई कार्रवाई नहीं हुई हाल तक, ना बंदे का मोबाइल नंबर मोबाइल लब्भा तो ना ही कार्रवाई करती पुलिस। जब तुम पुलिस को जाते हो तो की जवाब की मिलता है? सानू जवाब मिलता है कि कार्रवाई करते हैं, दरखास्त दे दो, दरखास्त पई रही बस, वो 2 महीने ला लो 4 महीने ला लो जो चाहिए बस, कोई नहीं कार्रवाई करते, बंदे फटते पे हैं फटते बस, यही जवाब मिलता। कितना टाइम हो गया तुहाडे नाल ये वारदातें घटदी हुई? सर 2 महीने हो चुके हैं। हाँ जी, तो जिहड़े पैसे की तुम गल कर रहे हो जिहड़े पैसे तुहाडे कोलों लुट्टे जांदे आ, ये पैसे फिर कंपनी वालों तुहानू माफ हो जांदे आ जां जेब विचों भरने पैंदे आ? इस तरह सानू जेब विचों भरने पैंदे ने क्योंकि सानू सिर्फ ऑर्डर दे 20 रुपए मिलदे ने, 20 रुपए ऑर्डर दे प्लस जो साडे लुट खो जाए सानू आखो ते जेब विच भरने पैंदे ने, चाहे ओह केस साडा 2000 रुपए 3 साडे जेब विच भरने पैंदे ने। सर अज तुसीं थाना सिटी च पहुंचे हो ते पुलिस नाल हुण की गलबात होई आ? पुलिस नाल गलबात होई आ, ओह कहिंदे वी कोई नहीं कार्रवाई करदे पए आ, दरखास्त दिती हुई है जो कोई चोर फड़ांगे तो दस देंगे, जरा मोबाइल है मोबाइल तो लभ लो गएगा, तो डब्बा डुब्बा भी देता है कुछ, कोई वेरीफाई नहीं हट गया इतने तक। तो साढ़े नाल इत्थे होर भी नौजवान मौजूद है, भाजी की नाम है थोड़ा? राजकुमार जी। राजकुमार जी, थाने आए हो, लगातार दसाया जा रहा कि लुट हो रही है, पुलिस वालों की विश्वास दवाया जा रहा? सर पुलिस वालों तो यही विश्वास दवाया जा रहा है जी, हाँ जी थोड़े कहे तो असं कार्रवाई करांगे बट उन्होंने वालों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही क्योंकि साढ़े राइडर बेचारे हरेक थान से जाना पैंता, सारे एरिए साढ़े कोल ने, साढ़े को पिंडां दे एरिए भी ने, शहर के भी ने, कई लोकेशन इदा दी सर जिन्हां ते असीं जा नहीं सकते बट सानू मजबूरी करके जाना पैंता, क्यों जाना पैंता साढ़े कंपनी की अथॉरिटी करके सानू जाना पैंता सर, मगर ना
कई थावां ते साडे राइडरां नाल लुट्टां खोहां हुंदियां ने। असीं दो चार वारी पहलां भी दरखास्त दित्ती है बट उहनां ते कोई सुनवाई नहीं की गई क्योंकि पुलिस वाले सानूं कह दिंदे ने भी तुहाडी दरखास्त असीं लिख ली है ते तुहानूं असीं अपने जो कार्रवाई होएगी बनदी असीं करांगे ते तुहानूं बुलावांगे। आ हुण 15 दिन पहलां थाणा कुलगड़ी दे एरिए दे विच अपने साडे राइडर नाल वारदात होई है, उनके हाथ से सट्टा वजिया पैर के सट्टा वजिया। जदों असीं उत्थे कंप्लेंट करन गए जाके देखिया तो उत्थे थाणे दे ही बूहे भी वजाए काफ़ी बार बट उन्होंने कोई बंदा बाहर नहीं आया उन्हों का तो हक करके एक आदमी बाहर आए थे उन्होंने कहते कहें साढ़े को बंदे चार पाँच ने तो असं पेट्रोलिंग नहीं ला सकते। तो सर जी अगर इदा चलेगा तो दसो साडे राइडर की करनगे? सारे कोई गरीब परिवारों तो है कोई कोई अपने तगड़े परिवार तो कोई नहीं है, 20-20 रुपए इकट्ठे करता अगला अपना परिवार चलाता जी। हुण देखो जी इदा इन्हां नाल ही ये हाल होएगा तो दसो कोई कमा के किवें खाएगा, नहीं तो फिर देखो मजबूर हो गए तो इन्हों भी कोई ना कोई गलत काम करना पेगा। अगर सरकार चाहती है भी ये भी गलत काम कर तो फिर सर देख लो उन्होंने मर्जी है, असं तो चाहते ही आपका हक का कमा के खाइए तो हक का कमा के खाना ही। हम तुम की अपील करनी चाहते हो पुलिस प्रशासन? असं सर पुलिस प्रशासन को यही अपील करना चाहते हैं भी जो साढ़े ना वारदात होंगे उन्होंने जल्द तो जल्द कार्रवाई की जाए तो सारियां इस चीज़ का एहसास दवाया जाए भी पुलिस साढ़े नाल खड़ी है, सरकार साढ़े नाल खड़ी है। असी सरकार अगर बनाई है ना सर असी सानू कह गया भी सानू एक मौका दो, एक मौका असी इस करके दिता है असी सोचा सी चंगे दिन आने सारिया के बट नहीं इसका उल्ट हो रहा, हाले तक तो इस चीज़ का कोई चंगे दिन का कोई आस नहीं हैगी, असी हाले देखा नहीं गा सर। तो साढ़े नाल इतने किसान यूनियन तो नौजवान भी मौजूद है उन्होंने भी गलबात करांगे। भाजी की नाम है थोड़ा? मनिंदर सिंह। मनिंदर जी किवें देखते हो शहर के हालातों? नौजवान कहते कि जब डिलीवरी देने लिए लोगों के घर जाते हैं तो रास्ते उन्होंने जी लुट खो आती जा रही है, 20 रुपये मसा उन्होंने उन्होंने कहना कि सानू बचते हैं वह भी लुट ले जाते हैं, जोड़ा सारे का सारा खर्चा जो उन्होंने जेब में भरना पै रहा। पुलिस कह रही है कि तुम खुद सानू बंदे फड़ फड़ाओ, किदा देखते हो पुलिस प्रशासन के इन हालातों? ये वीर अपने को पिछले 5-4 दिन तो अपने को आते पे सके शिकायत लैके कि भी साढ़े नाल चलो कि पुलिस साढ़े कोई कार्रवाई नहीं करती। अज मैं इन वीर असी कट्ठे हो के सारू कॉल दी कि दोपहर वेले कि सारे भरा कट्ठे हो ये 20-25-30 जने जिन्हें भी अपने वीर इतने खड़े ने ये जागदिया जमीर वाले वीर ने इतने आए ने जोड़े अपने हक हक के लिए आए हैं, ये वीर ने जोड़े अपना रुजगार आप कमा के जरा खाते ठीक है, 1 रुपया इकट्ठा करके जो शाम आप देखते कि 300-400-500 रुपया मसा दिहाड़ी बनती, शाम को इन्हों पता ही कोई नहीं कि जो मान लो इतों 15-15 किलोमीटर एक कई बार सानू मेरे को ही बहिंदे अक्सर मैं दसते होंगे कि वजीतपुर साहब तो इन्हों आगा दोपहर वेले 1-2 बजे जो सारे एसिया के बैठे होंगे उदों ये सारे भरा दोपहर गर्मी के 15-15-20-20 किलोमीटर से जाते हैं तो पैसे किन्ने मिलते डिलीवरी के 20 रुपये सर, कोई इन्हों तरस नहीं इन्हों पर कोई करता गा, इन्हों तो चाहिए कि इन्हों या कोई स्पैशल फैसिलिटी देनी चाहिए सरकार वालों भी इन्हों चाहिए गा तो इन मुलाजमान वालों भी चाहिए कि इन्हों की रख्या साड़ी तो की करनी है यार, जे रख्या इन्हों इन्हों की तो सगो स्पैशल करनी चाहिए है सानू मान देना चाहिए। थाने आए हो थाने पुलिस नाल की गलबात हुई? थाने गलबात यह हुई है कि जी वो सानू अगों उन्होंने यही जवाब दिता गया कि सानू बंदे फड़ाओ जी तुसी फड़ाओ सानू बंदे, तो असी तो यह गल कहना चाहना जिन्ना को मैनू तजर्बा गा मैं ये गल कहना चाहना इन्हों को एक एक चोर का नंबर ठीक है नाल एड्रैस सारा कुछ है जिन्ना इन्हों के नाल मैं रहा इन्हों अफसरशाही के नाल जिन्ना मैं वाहवा देर होगी वरतदे नूं मैं पता कि एक एक बंदे का विद प्रूफ विद नंबर सारा है इन्हों के कोल जे ये चाहन तो अज शाम तो लैके कल शाम तक सारा सिस्टम सुधार सकते तो जिहड़ी सरकार अपनी आप कहने कि आप मौका दिता नवी सरकार आप कहने भगवंत मान सरकार कहती सी सानू मौका दिओ ये चोरिया लुट्टा खोह नशा सारा बंद होगा पर अज सानू धरती के उत्ते सानू कोई वेखदा नहीं पिया कि कोई भी फर्क पिया हो इस चीज़ का। हाँ जी पुलिस प्रशासन अगे की अपील करनी चाहोगे? अपील साड़ी यही है जी मंग है साड़ी इन्हां वीरां वल्लों भी साड़ी मंग है साड़ी किसान यूनियन वल्लों भी भारतीय किसान टकौंदा वल्लों भी साड़ी ये मंग आ कि ली इन का हल जल्दी तो जल्दी कढ़िया जाए नहीं तो सानू भी मजबूरन इतने राह रोक के इतने थाने के अगे कल सानू बहना मजबूरन है, अज भी असं SHO साहब को आए हैं वो नहीं है वो कहते मीटिंग ते गए पेट्रोलियम मंत्री आता पाया कल तो वो जरूरी ने मंत्री आते पे ने जरूरी ने कोई बंदा मरदा गा आम बंदा ये कहते आम आदमी पार्टी की सरकार आम बंदा जिवें आप कह लीए कि जिवें मर्जी मरी जाता गा जो मर्जी उन्हें घटना वापरी जाए वो तो कोई ध्यान नहीं गा तो इधरों मंत्रियों का आप देखते हैं कि वो स्वागत के लिए कल तैयारियां होंदिया बदलाव की गल की गई थी आम आदमी पार्टी की सरकार आने तक वड्डा बदलाव आएगा मौजूदा हालात की है शहर के?
शहर से असी आप ही वोटा पाइया सीगियां जी, असी चाहते सके बदलाव आए। ये गंदे भ्रिष्ट सिस्टम तो असी बाहर आना चाहते सके। असी चाहते सके कि साडे पंजाब दे लोग, साडे शहर दे लोग चंगा चंगे साह लैन, चंगे वातावरण दे विच साह लैन, घुट घुट के ना जीन, चोरियां लुट्टां खोहां बंद होण, नशा बंद होवे, असी चाहते सके। पर सानू अज तक, चलो महीना सवा महीना ही होया सरकार बनी नू, अज तक ये चीज़ां सानू वेखण नू नहीं मिलियां। गांह दा सानू पता नहीं जी सरकार की करदी। आश्वासन तो रोज़ नवें नवें आपां वेहने आ कि फरमान आई जांदे आ, ते बाकी इत्थे सानू धरती ते कुछ नहीं वेखदा। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਮੈਟੋ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਖਾਣਾ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।